अगर कभी आप किसी सुनसान जगह पर फंस जाएं तो उस समय डर सबसे ज्यादा लगता है। सुनसान इलाकों में जाने से हर कोई बचता है, लेकिन क्या आपको पता है धरती के सबसे सुनसान इलाके के बारे में? ये ऐसी जगह है जहां हजारों किलोमीटर तक इंसानों का नामो निशान नहीं है, यहां जाना आसान नहीं है। इस जगह पर चारों ओर सिवाय सन्नाटे के कुछ नहीं। यहां सन्नाटे की आवाज इतनी भयानक है कि लोगों की रूह कांप जाए। आइए आपको बताते हैं ये जगह कहां पर है और क्यों इस जगह का इस्तेमाल वैज्ञानिक ही सबसे ज्यादा करते हैं। हमारी पृथ्वी पर अनगिनत रहस्यमय स्थान हैं, जिनके बारे में इंसान तो क्या वैज्ञानिक भी आज तक नहीं जान पाए। दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रशांत महासागर से घिरी हुई जगह पॉइंट नीमो के बारे में। पॉइंट नीमो के बारे में कहा जाता है कि इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक भी अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि इस जगह पर जाना आसान नहीं है। बता दें कि इस जगह पर चारों ओर सिर्फ सन्नाटा ही पसरा है। साल 1992 में कैनेडियन मूल के एक इंजीनियर ने दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करते करते अचानक इस जगह का पता लगाया। हरवोज लुका तेला नाम के इस इंजीनियर को कंप्यूटर पर कुछ फ्रीक्वेंसी सुनते हुए पता लगा कि समुद्र का कोई केंद्र भी है जो इंसानी पहुंच से काफी दूर है। यहाँ न कोई इंसान रहता है, न ही कोई पेड़ पौधा यहाँ मौजूद है। इस जगह का इस्तेमाल अंतरिक्ष में खराब हो चुके सैटेलाइट को गिराने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सैटेलाइट के ईंधन को गिराने में भी इस जगह को प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही सैटेलाइटों के कबाड़ को इकट्ठा करने के लिए भी इसी स्थान को प्रयोग किया जाता है। अगर सैटेलाइट आबादी वाली जगहों पर गिरे तो लोगों की जान माल को नुकसान होगा। हालांकि इस वजह से ये जगह अब सैटेलाइटों का कब्रिस्तान बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां अब तक 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स का कबाड़ इकट्ठा किया जा चुका है। इस जगह पर हजारों किलोमीटर में सैटेलाइटों का मलबा फैला हुआ है। ये वास्तव में दुनिया की सबसे बड़ी कब्रगाह है। कब्रगाह अंतरिक्ष के कबाड़, इसलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ सैटेलाइट्स भी कहते हैं। ये स्थान समुद्र के बीचों बीच मौजूद है, इसलिए इसे समुद्र का केंद्र भी कहा जाता है। ये जगह दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि इस जगह पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इस द्वीप से 2700 किलोमीटर दूर सूखी जमीन है। अगर पॉइंट नीमो से आप सूखी जमीन तलाशेंगे तो सबसे पास का द्वीप करीब 2700 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर इस जगह से आप 400 किलोमीटर ऊपर की ओर चलेंगे तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। इस तरह इस जगह से जमीन से ज्यादा पास अंतरिक्ष है। ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे अकेली जगह है जहां न अधिक जीव जंतु है न ही वनस्पति। रोशनी से काफी गहराई में स्थित इस जगह पर समुद्री जीव जंतु भी न के बराबर है। वैज्ञानिक कल्पना करते हैं कि अंधेरे के कारण यहां अंधी मछलियां या न देख पाने वाले समुद्री जीव जंतु जरूर रहते होंगे। आइए अब जानते हैं कि आखिर इस जगह पर यह मलबा क्यों गिराया जाता है। अंतरिक्ष में मलबे का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा था। लगभग सारे देश अंतरिक्ष में अपना दबदबा बनाने की कोशिश में लगे थे। लगातार सैटेलाइट भेजे जा रहे थे। सैटेलाइट खराब होने के बाद भी उनकी रिसाइकलिंग ठीक से नहीं हो पाती थी। नासा की माने तो फिलहाल स्पेस में जो मलबा है वो आगे चलकर बड़ा खतरा भी पैदा कर सकता है। अंतरिक्ष में जो मलबा है उसकी गति लगभग 5 मील प्रति सेकंड होती है। इस स्पीड से अगर वे किसी स्पेस स्टेशन से टकराएं तो नुकसान का अंदाजा भी नहीं लग सकेगा। यही देखने के बाद कई देशों ने आउटर स्पेस समझौता किया, जिसका मकसद स्पेस का जंग कम करना है। जिसका मतलब यह है कि अंतरिक्ष में भेजे गए सैटेलाइट का कचरा या मलबा अंतरिक्ष में न गिराकर एक ऐसी जगह पर गिराना जहां दूर दूर तक कोई भी इंसान न हो। पॉइंट नीमो इसी पहल का नतीजा है। इसके तहत खराब हो चुके सैटेलाइट्स को धरती पर लौटाकर पॉइंट नीमो में जमा किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने साल 1997 में पॉइंट नीमो के पूर्व में एक रहस्यमय आवाज सुनी थी। यह लगभग 2000 किलोमीटर दूर से सुनी गई थी। यह ब्लू व्हेल की आवाज से भी तेज थी, जिसने वैज्ञानिकों को उलझन में डाल दिया। वैज्ञानिक समझ नहीं पाए कि आखिर यह आवाज किस चीज की है। हालांकि कुछ लोगों का मानना था कि यह आवाज दूसरी दुनिया की थी। कुछ लोगों ने आवाज को लेकर कई तरह की थ्योरी भी गढ़ी। इस भयानक आवाज को सुनने वाले लोग बुरी तरह से डर गए थे। इसके बाद वैज्ञानिक भी यहां जाने से कतराने लगे और आज तक यहां कोई वैज्ञानिक नहीं गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां पर चट्टानें भी लगातार टूटती हैं, जिनकी आवाज बेहद डरावनी होती है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पॉइंट नीमो से आने वाली आवाजें बड़ी बड़ी बर्फीली चट्टानों के टूटने की है। बर्फ के टूटने पर फ्रिक्वेंसी पैदा होती है जो आवाज में बदल जाती है। वैसे अगर आप सैर सपाटे के शौकीन हैं और दुर्गम जगहों पर जाना चाहते हैं तो पॉइंट नीमो ट्राई कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले ये समझ लें कि यहां से जो आइलैंड सबसे पास है उसकी दूरी भी 1670 मील है। उत्तर में स्थित इस डूशी द्वीप पर भी इंसानी बस्ती नहीं है। दक्षिण में माहर आइलैंड है जिस पर कभी भी इंसानी पैर नहीं पड़े। नॉर्थ ईस्ट में ईस्टर आइलैंड
आइलैंड है, इसका भी यही हाल है। तो कुल मिलाकर पॉइंट नीमो पर जाना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।